एवरी वन वेलकम टू करण खंड स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो तो ये काफी इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है uh, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट मंथ को कैसे आपको प्रोडक्टिव बनाना है चाहे आप मेरे रेगुलर फॉलोअर्स हैं आपका सिलेबस एक बार ही कवर हो गया है चाहे आप उस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं कि अभी तक आपने स्पेशलाइजेशन स्टार्ट नहीं किया है तो दोनों केसेज में आपका क्या अप्रोच रहना चाहिए वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड एंड में काफ कल से जो मुझे काफी ज़्यादा क्वेरीज आ रही है उसको हम एड्रेस करेंगे काफ़ी ज़्यादा मेरा जो व्हाट्सएप है वो ही भरा हुआ है मेल बॉक्स भरा हुआ है एंड देन आपके मैसेजेस आ रहे हैं कमेंट्स आ रहे हैं तो कहाँ पे क्या पीडीएफ है क्या आपको कहाँ मिल जाएगा वो सारी चीजें द एंड मैं आपको बताऊंगी ठीक है तो डू स्टे टिल द एंड यू वोंट रिग्रेट स्पेंडिंग टाइम ऑन दिस वीडियो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है एग्जाम परसपेक्टिव से ठीक है तो स्टार्ट करने से पहले पहले मैं उनके लिए बता दूं जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं इस पे मैं आपका स्पेशलाइजेशन जेके एसएसबी का वो कवर करवा रही हूँ एंड हमारा स्पेशलाइजेशन कंप्लीट हो गया है करंटली हमारी रिविजन का मैराथन सीरीज चल रही है जिसमें हम दो वीडियोज uh, में एक एक यूनिट कवर कर देते हैं ठीक है उसमें हमारा फर्स्ट यूनिट एंड सेकेंड यूनिट ओवर हो गया है प्लस इन दो यूनिट का हमारा जो एम सी क्यू सीरीज है वो भी खत्म हो गई है जो आपका यूनिट सिक्स है स्कीम्स वाला पोर्शन उसका पीडीएफ मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप पे आपको दे दिया है एंड उसकी एम सी क्यू सीरीज भी आपकी साइड बाई साइड चल रही है ठीक है तो ये सारा इस चैनल uh, पे हो रहा है तो आने वाले टाइम में जैसे ये खत्म हो जाता है सुपरवाइजर उसके बाद के जो एग्ज़ाम्स हैं एन का एग्जाम आने वाला है या जैसे कोई भी नया आपका सिलेबस आ जाता है तो उसके रिलेटेड सारे वीडियोस आप इस चैनल पे देखेंगे प्लस मैं यूपीएससी और स्टेट पी का सोशलॉजी ऑप्शनल है वो भी कवर करवा रही हूँ एंड यूजीसी नेट सोशलॉजी जैसे आपका एक एग्जाम खत्म होता है तो नेट भी मुझे स्टार्ट करना है उसकी काफ़ी क्वेरीज आ रही हैं एंड देन अगर आप कंप्यूटर लैंग्वेज वगैरह वो सब कुछ सीखना चाहते हैं तो उसके रिलेटेड वीडियोज़ भी मैं जल्दी लेके आऊंगी ठीक है आपके प्रोग्रामिंग रिलेटेड एसक्यूएल वगैरह ठीक है तो ये सब आपको इस चैनल पे आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा तो स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो पहले हम आ, करेंगे एड्रेस उन स्टूडेंट्स को जो रेगुलरली फॉलो करते हैं करंट क्रांच को और जिनका सिलेबस जो है ओवर हो गया है ठीक है तो देखो पहले आपको पैनिक नहीं करना है मैं चाहती तो मैं कल ही वीडियो लेके आ सकती थी पर मैंने आपको कल मैसेज में भी लिखा था व्हाट्सएप पे डोंट पैनिक पैनिक करने से चीज़ें खराब हो जाती हैं कुछ बदलता नहीं है एंड सेकेंडली मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वांट टू एड्रेस हियर इज कि आप जेके एसएसबी को ब्लेम करना बंद कर दें कि यू गॉट लेस टाइम मैंने फिफ्टींथ मार्च को एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको बताया था हर डे का हर डे आपको क्या पढ़ना है जिससे आपका थ्री मंथ्स में दैट मीन्स फिफ्टींथ जून तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ठीक है अगर आपने मेरी वो वीडियो ध्यान से देखी होती है एंड उसके बाद अपना सिंसियरली टाइम इस एग्जाम पे लगाया होता तो आपका सिलेबस फिफ्टींथ जून तक कंप्लीट हो जाता सारा सिलेबस सारे कंपोनेंट्स इसके एंड फिर जो आपके दिन बचते उसमें आप एमसीक्यूज़ करते क्योंकि फिफ्टींथ ये जो थ्री मंथ्स मैंने आपको टाइम टेबल दिया था उसमें आपका रिविजन इंक्लूडेड था तो लेकिन आपको टीचर्स की बात माननी नहीं होती है बाद में एग्जाम में डिले एंड ऑल दैट ये होगा एग्जाम अभी नहीं होगा मैंने आपको बोला इन चक्रों में मत पढ़ो सिलेबस कंप्लीट हो सकता है आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी की जरूरत है उसके लिए मैंने आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल डे वाइज ब्रेक किया था मैंने वो टाइम टेबल किस डे आपको क्या पढ़ना है अब जिन लोगों ने वो फॉलो करा तो इट्स गुड फॉर देम आई होप उनके लिए वो बेनिफिशियल रहा हो मुझे कॉमेंट्स से बताओ किसने वो फॉलो किया है एंड जिसने नहीं किया है वो अब देख लो एटलीस्ट अब मेरी बात सुन लो ठीक है स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम ये है वो टीचर की बात नहीं सुनते उनको लगता है कि उनको टीचर से ज्यादा पता है लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि हम लोगों ने अपने सक्सेस फेलियर एक्सपीरियंस सबसे सीखा होता है अभी तक आप उस लेवल पे नहीं पहुंचे हो कि आप इतनी सारी चीजें इजीली समझ पाओ अब देखो है क्या हमारे पास पहले है मे का मंथ ठीक मे का मंथ है हमारे पास सेवनटीन मे टू थर्टी फर्स्ट मे बहुत दिन है देखो अगर आप पढ़ो ना पढ़ने के लिए आपके पास बहुत दिन दिन है एक महीने में आराम से आपका मेजोरिटी पोर्शन कवर हो जाएगा लेकिन वेस्ट करने के लिए आपके पास एक घंटा भी नहीं है उस हिसाब से आपके पास टाइम है लेकिन वो टाइम से पढ़ाई के लिए है वेस्ट करने के लिए नहीं है अब अगर आपको एप्लीकेशन देनी है जेके एच एस बी को एग्जाम डिले करो एंड जिन लोगों ने चलो लेट फॉर्म भरे एंड ऑल दैट उनके लिए तो चलो उनका केस हम बोलेंगे चलो फिफ्टी परसेंट जेन्युन मानते हैं डिले होता है नहीं होता है एक बार एप्लीकेशन दे दी बस डन एंड डस्टेड उस केस को क्लोज करो एंड दिमाग में रखो ट्वेंटी थर्ड जून जो है आपका एग्जाम डे इट्स गोइंग टू बी ऑन ट्वेंटी थर्ड जून ठीक है इस डिले के प्रोसेस में अब नहीं पढ़ना एप्लीकेशन दी फाइन अब अपने काम पे वापस लग जाओ सेवेंटीन टू थर्टी फर्स्ट में देखो मेक मोस्ट आउट ऑफ दिस मंथ मे में आप ज्यादा से ज्यादा कवर करने की कोशिश करो उससे क्या होगा आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा जब मे का मंथ ओवर हो जाएगा तो आपको लगेगा नहीं मेरा काफी ज्यादा सिलेबस कंप्लीट हो गया आई एम ऑन द राइट ट्रैक और कॉन्फिडेंस इन एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा जरूरी है अगर आपने मे का मंथ जो है वो वेस्ट किया इन्हीं चक्करों में डिले हो जाएगा एंड ऑल दैट तो फिर आप जून में आ जाओगे ना उन फिफ्टीन डेज आप कुछ नहीं कर पाओगे आप बस टेंशन में ही रहोगे ठीक है तो आपको क्या करना है मैं आपके मैं क्या चाहती हूँ और मैं क्या हेल्प करूंगी आपको कैसे क्या बताने में कि मेक मोस्ट आउट ऑफ दिस मंथ तो हम उसी तरीके से क्या करेंगे अपने जो दिन है उनको डिवाइड करेंगे आपके पास है सेवेंटींथ एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी फर्स्ट ट्वेंटी सेकेंड ट्वेंटी थर्ड ट्वेंटी फोर्थ ट्वेंटी फिफ्थ ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवेंथ ट्वेंटी ट्वेंटी नाइन्थ थर्टी एंड थर्टी फर्स्ट ठीक है इतने ही दिन होते हैं ना थर्टी फर्स्ट डेज होते हैं मे में पहले मैं एक बार देख लूँ थर्टी फर्स्ट ही होते हैं ना हाँ थर्टी फर्स्ट डेज होते हैं तो देखो जब मैं ऐसे हम बोलते हैं ना अभी एक ही महीना रह गया है इतना ही रह गया है तो हमें लगता है कि बहुत कम टाइम है तो मैं अपने टाइम पर हमेशा क्या करती थी कि जब भी मुझे पढ़ना होता था तो मैं हमेशा डेज ऐसे ब्रेक करती थी ऐसे एटलीस्ट दिल को एक शांति मिलती है आपको देख के लग रहा होगा ना स्क्रीन पे कि नहीं बहुत सारे दिन है हम इन दिनों में बड़ा कुछ कर सकते हैं फाइन अब पहले हमारे वो स्टूडेंट्स रहेंगे जिन्हें अभी तक फॉलो किया है सारे लेक्चर्स इनके देखे हुए हैं अब उनको देखना है कि इस मंथ को कैसे प्रोडक्टिव बनाए राइट उससे पहले ये बात भी सुन लो अगर आप किसी भी कैटेगरी में बिलोंग करते हो ये महीना जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो इस महीने में डीला पड़ गया फिर चाहे उसका सारा सिलेबस कंप्लीट हुआ था लेकिन इस महीने में वो सही से नहीं पढ़ पाया तो सिलेक्शन काफी मुश्किल है एंड कोई ऐसा स्टूडेंट जिसका बस ट्वेंटी थर्टी परसेंट थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से पढ़ा हुआ था एंड वो इस महीने में अपनी जान लगा दे उसके सिलेक्शन के चांसेस बहुत होंगे तो इसको हम बोलते हैं मेक और ब्रेक मंथ ये जो एग्जाम्स के पहले दस दिन पंद्रह दिन या एग्जाम के पहले का एक मंथ होता है वो मेक और ब्रेक मंथ होता है या तो बन जाओ या तो टूट जाओ ये मंथ डिसाइड करता है अब देखो आपको क्या करना है अब आपका हो गया है ओवर सिलेबस अब आपको रिविजन करना है मे के मंथ में आप सिर्फ रिवाइज करोगे आई नो एम सी क्यूज इंपॉर्टेंट हैल्सो फाइन लेकिन एमसीक्यू सॉल्व आप करो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पहला स्टेप रिवीजन आता है सेकंड स्टेप इज एमसीक्यू एमसीक्यू क्योंकि सिर्फ अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए जो है वो काम नहीं चलेगा यहाँ पे आप एक क्वेश्चन देख रहे हो अच्छा उसका सोल्यूशन भी आप साथ में बुक के पीछे देख रहे हो एक क्वेश्चन गलत हो रहा है फिर बुक खोल रहे हो वो देख रहे हो तो वो अपने ईगो को सेटिस्फाई करने वाला तरीका होता है एमसीक्यू सॉल्व करने का वो सही तरीका नहीं है तो सबसे पहले आपका प्रॉपर रिविजन पूरा हुआ होना चाहिए तो क्या करना है आपको सेवेंटींथ ये तीन दिन करोगे आप रिवाइज यूनिट फर्स्ट ट्वेंटी ट्वेंटी फर्स्ट ट्वेंटी सेकेंड सेकेंड फिर ट्वेंटी थर्ड ट्वेंटी थर्ड ट्वेंटी फोर्थ ट्वेंटी फिफ्थ को रहेगा आपका यूनिट थर्ड ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एथ यूनिट फोर्थ एंड ट्वेंटी नाइन्थ थर्टी थर्टी फर्स्ट यूनिट फाइव ठीक है और जो तो स्कीम्स वाला पोर्शन है आई वुड से गिव डेली हाफ एन आवर और, और एनआर यान पॉइंट फाइव चलो वन पॉइंट फाइव ज्यादा हो जाएगी वन आवर फॉर यूनिट सिक्स ठीक है उससे क्या होगा क्योंकि वो थोड़ा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है ना कि कौन सा मिनिस्ट्री uh, इन्वॉल्व है क्या बेनिफिशरीज थे कितने परसेंटेज एंड ऑल तो वो अगर आप थोड़ा थोड़ा रोज देखते जाओगे वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा स्कीम्स पढ़ने का तरीका वैसा ही होता है अदरवाइज तीन दिन सिर्फ स्कीम्स ही पढ़ोगे तो बोर हो जाओगे एंड कंफ्यूज भी हो जाओगे इसीलिए आपको क्या करना है इन फिफ्टीन डेज में आपको अपना स्पेशलाइज का होल्ड काफी स्ट्रांग बनाना है अब आप बोलोगे मैम पर मैंने यूनिट फर्स्ट रिवाइज कर लिया है मैं तीन दिनों की जगह वो एक दिन में रिवाइज करूंगा ठीक है दैट इज ऑल्सो गुड फिर आप क्या करो यूनिट अगर ये मतलब ये मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूं आप इसको अपनी जो है प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं अगर आपको यूनिट फर्स्ट को एक ही दिन देना है गुड आप यूनिट फर्स्ट को एक दिन दे दें फिर अगर आपको यूनिट फिफ्थ को चार दिन देना है तो यहां से करके चार दिन दे दें ये एक ओवरव्यू आपको यहां से मिल गया कि सेवनटीन टू थर्टी फर्स्ट आपका स्पेशलाइजेशन विद स्कीम्स सारा रिवाइज हुआ होना चाहिए रिविजन ऐसा कि कैसे आप रिवाइज करोगे रिवाइज मैंने आपको बोला मैंने रिविजन का भी वीडियो एक बनाया था हाउ टू रिवाइज इफेक्टिवली चाहे तो वो वीडियो आप देख लो साइंटिफिकली प्रूव बेस उसमें मैंने आपको बताए हैं रिवाइज करने के तरीके रिवाइज करने के लिए आपको बुक सामने नहीं रखनी होगी एक बार आपने रख ली देख लिया ऊपर ऊपर से क्या क्या पढ़ना है बुक बंद की फिर ट्राई टू रिकॉल आंखें बंद करके रिकॉल करने की कोशिश करो कि आपने क्या पढ़ा सोसाइटी अच्छा लैटिन वर्ड फिर सोसाइटी में ये होता है कम्युनिटी अच्छा ठीक है उसमें ये थ्योरी पेट्रियार वो किसने दिया था अच्छा हेनरी मेन मेट्रियार की जेंकीज वैसे करके ट्राई टू रिकॉल अगर आप वैसे रिवाइज करोगे ना ट्रस्ट मी गाइज वो आपको कभी नहीं भूलेगा अगर आपने बुक सामने रखी है और बस ऐसे बुक से ऊपर ऊपर एक एक लाइन पढ़ के रिवाइज कर रहे हो दैट अगेन दैट रिविजन इज जस्ट टू सैटिस्फाई योर ईगो एंड वो एक्चुअल रिविजन नहीं है क्योंकि देखो क्या होता है कनेक्शन जिस रूम में हम पढ़ते हैं ना जिस रूम में हम रिवाइज करते हैं जब हम उन्हीं बुक्स को बार बार देखते हैं तो हमें जल्दी रिकॉल हो जाता है लेकिन जब आप एग्जाम में जाते हो वहाँ पे कोई आपके बुक टेबल स्टडी टेबल आपका अपना रूम नहीं है तो आपको कोई कनेक्शन नहीं है जो चीज़ें आपको याद करवाए जिससे आप रिकॉल करना शुरू करो इसीलिए अगर इवन बेटर रहेगा दूसरे रूम में जा रिवाइज करो दूसरे रूम में जाकर चीज़ों को रिकॉल करना शुरू करो चाहे किचन में काम करते हुए या कोई और रूम में कोई और काम करते या वॉक करते हुए या रात को सोने से पहले बिस्तरे में घुस के अंदर ठीक है तो इससे क्या होगा आपका जो कनेक्शन है स्टडी और सिर्फ आपके रूम का वो ब्रेक हो, तो हो जाएगा इसमें आप रिवाइज कर लोगे उसके बाद क्या करना है आपको फिर आपको कुछ दिन रखने हैं जिसमें आप सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करोगे ठीक तो उसमें आप क्या करोगे सिक्स डेज मतलब फर्स्ट जून टू सिक्स जून आप क्या करोगे ईच डे आप एक यूनिट को दोगे एंड सिर्फ एमसीक्यूज़ रिवाइज करोगे एमसीक्यूज़ रिवाइज़ रिवाइज नहीं सॉरी एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस एमसी क्योंकि एमसीक्यूज़ भी तभी आपको फायदा देंगे जब आपका रिविजन प्रॉपर होगा ठीक है इसीलिए पहले रिविजन करो फिर एमसीक्यूज करो अब आप क्या करोगे आपने फर्स्ट यूनिट के एमसीक्यू कर लिए उसके बाद उसको एनालाइज करना है वो जो वीडियो मेरा है इनफैक्ट किसी ने कॉमेंट किया था कि मैम एक्सप्लेन नहीं करें एमसी क्यू पूरा सिर्फ शॉर्टर आप बस आंसर बताएं आई डू अंडरस्टैंड टाइम बचेगा बट देखो स्टूडेंट्स आपको भी मेरी एक बात समझनी होगी कि वो आप हो ठीक है आपने कर लिया है ऑलरेडी आपको सिर्फ आंसर चाहिए लेकिन मेरा वीडियो जो है मास ऑडियंस के लिए है एंड ऐसे ऑडियंस भी है जो ज्यादा एमसी क्यू पर रिलाई करते हैं तो उनका फायदा हो जाएगा एंड मेरा बार बार एक्सप्लेन करने से आपका नुकसान नहीं होगा आपका रिविजन हो जाएगा तो वो जो वीडियो है वो दोनों ऑडियंस के लिए बेनिफिशियल रहता है तो फर्स्ट जून टू सिक्स जून आप क्या करोगे आप ओनली एमसीक्यूज़ करोगे ठीक है आप अपने यूनिट वन के एमसीक्यूज़ कर लिए अब आपको लग रहा है एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद कि कोई टॉपिक आपका वीक है कि किसी टॉपिक में आप सही से एमसीक्यूज नहीं कर पा रहे हो लेट्स सपोज आपको एसोसिएशन या कम्युनिटी या फैमिली मैरिज किनशिप इंस्टीट्यूशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है वो रिविज़न आपका प्रॉपर नहीं है तो आप वो नोट डाउन करो अपनी रफ नोट पे कि कौन से आपके वीक पॉइंट्स हैं ठीक है हर यूनिट में फर्स्ट जून को आप फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करोगे सेकेंड जून को सेकेंड यूनिट वैसे ही आप अपने वीक पॉइंट जो है वो नोट डाउन कर लोगे उसके बाद जो सेवेंथ एट नाइन्थ सेवेंथ से लेकर ट्वेल्थ जून तक आप फिर से रिवाइज करोगे इसमें आप क्या करोगे अब आपको पता है कि आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन से हैं उसका रिविजन जल्दी हो जाएगा एंड वीक पॉइंट पे भी थोड़ा फोकस कर लोगे ताकि दोनों स्ट्रांग एंड वीक आप कवर कर लो फिर से आपके बाद में कितने दिन बचते हैं ट्वेल्थ के बाद ये ट्वेल्थ जून तक सेवेंथ एथ नाइन्थ टेंथ इलेवन्थ ट्वेल्थ सिक्स डेज और आपको मिल रहे हैं रिविजन के लिए हो गया आपका सेकेंड रिविजन भी एग्जाम से पहले उसके बाद आप क्या करोगे ये रफ में, में लिखा है आप ये इसको प्रॉपर करके अपनी नोटबुक में लिख के रखना है यही बाद में फॉलो करना सिक्स सेवन टू ट्वेल्थ एंड इसके बाद इस वीडियो के बाद मुझे कोई ऐसा कमेंट नहीं दिखे कहीं पे भी कि मैम हम अब क्या करें ठीक है तो अगर किसी का कॉमेंट आता भी है प्लीज मेरे बिहाफ पे उसको इस वीडियो का लिंक भेज देना टू आपका रिविजन चलेगा उसके बाद एंड फिर से आप क्या करोगे तीन दिन एमसीक्यूज और प्रैक्टिस करोगे वो मेरे एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लो या कोई वेबसाइट से प्रैक्टिस कर लो कोई बुक है आपके पास वहां से प्रैक्टिस कर लो और आपके एमसी क्यूज हो गए फिर अभी यू स्टिल हैव है ट्वेंटी सेकेंड ट्वेंटी थर्ड यू स्टिल है जो लास्ट वीक है उसमें आप एमसीक्यूज बंद एमसीक्यूज नहीं करना है एंड लास्ट वीक में आपको सिर्फ रिविजन करना है ठीक है डिफिकल्ट नहीं है इसके साथ साथ अपने बाकी कॉम्पोनेंट्स भी रिवाइज कर सकोगे आपको तीन दिन मिलते हैं यूनिट वन के लिए आप सोचो यूनिट वन कितना मतलब आई ज अस्ट वन यूनिट फर्स्ट जो है उसके साथ साथ क्या करोगे आप वैसे ही जैसे मैंने ये वीक ये मंथ स्पेशलाइजेशन के लिए ब्रेक किया वैसे ही आप ये मंथ क्या कर लो आप अपने बाकी कॉम्पोनें के लिए ब्रेक कर लो फिर ऐसे कर लो तीन आर्स स्पेशलाइजेशन के लिए रख लो थ्री आर्स आप दूसरे कॉम्पोनेंट के लिए रख लो थ्री आर्स आप थर्ड कॉम्पोनेंट के लिए रख लो ठीक है वैसे करके अंड प्रायोरिटाइज करो इस टाइम पे स्पेशलाइजेशन के सबसे ज्यादा मार्क्स हैं ये चीज दिमाग में रखना तो वो बच्चे हो गए फ्री जिनने पढ़ लिया था अब हम उन बच्चों पे आते हैं जिन्होंने अभी तक स्पेशलाइजेशन नहीं पढ़ा है इसमें भी दो कैटेगरी हो सकती है आपने नहीं पढ़ा लेकिन आपका बाकी सारा कंप्लीट है ये अच्छी कैटेगरी या दूसरी कैटेगरी में कि उनका बाकी भी कंप्लीट नहीं है और स्पेशलाइजेशन भी कंप्लीट नहीं है ये और भी ज्यादा अच्छी कैटेगरी है ठीक है तो ये बच्चे क्या करेंगे सेवेंथ टू एट्थ जून सेवनटींथ मे टू एट्थ जून ये क्या करेंगे ये अपना स्पेशलाइजेशन मेरे वीडियो से देख के कंप्लीट करेंगे मैंने आपको स्पेशलाइजेशन करवाया है कंप्लीट फोर्टी सिक्स लेक्चर्स में उनको पर डे टू लेक्चर्स देखने हैं पर डे टू लेक्चर्स तो ये जो ट्वेंटी थ्री डेज आते हैं सेवनटींथ से लेकर एट्थ जून तक ट्वेंटी थ्री डेज ही आते हैं ना मुझे काउंट करने दो सेवेंटीन हो गए पहले पंद्रह दिन सोलह अठार इक्कीस बाईस तेईस हाँ ट्वेंटी थ्री डेज आते हैं आज के दिन इंक्लूडेड हाँ आज के दिन में अभी से स्टार्ट करोगे पर डे टू लेक्चर्स आपको करने हैं देखो अगर तो आपने बाकी कॉम्पोनेंट कवर कर लिया है तो वो आप रिवाइज करो साथ साथ वो आपको पता चलेगा उसका रिवीजन कैसे करना है अगर बाकी कॉम्पोनेंट भी कुछ नहीं किया है फिर आपको क्या करना है फिर आपको प्रायोरिटाइज करना है फिर एटलीस्ट स्पेशलाइजेशन अच्छे से करके जाओ एंड बाकी देख लो जो इजी इजी पार्ट होगा कंप्यूटर की सीरीज मेरी चल रही है वो कर लो एंड इंग्लिश प्लस कंप्यूटर एटलीस्ट जो सिंपल चीजें हैं वो कर लो ठीक है कंप्यूटर प्लस uh, मेरा कॉन्स्टिट्यूशन वाला सात आठ लेक्चर का प्लेलिस्ट बना हुआ है वो कॉन्स्टिट्यूशन देख लो एंड इस हफ्ते में हिस्ट्री भी कंप्लीट करवाऊंगी तो हिस्ट्री देख लो एटलीस्ट इतना जो पोर्शन है वो वो स्पेशलाइजेशन के साथ आप कर लो स्टूडेंट्स जिन्हें अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है ठीक है तो पर डे आप टू लेक्चर्स देखोगे एट जून तक आपका स्पेशलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा लेकिन ये कैसे आपको कंप्लीट करना है ये आपको बहुत अच्छी तरीके से बहुत अच्छी तरीके से समझ के एंड जिस दिन पढ़ो उस दिन शाम को सोने से पहले वो चीज रिवाइज करो नेक्स्ट डे के दो वीडियोस देखने से पहले रिकॉल करने की कोशिश करो कि कल हमने क्या पढ़ा क्योंकि आपको कम टाइम मिलेगा रिवीजन करने के लिए तो यू हैव टू मेक मोस्ट ऑफ द टाइम अवेलेबल टू यू ठीक है शाम को खाना खाते खाते चाहे थोड़ा रिवाइज रिकॉल करने की कोशिश करो आपने क्या पढ़ा नेक्स्ट डे जो आप स्टार, पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले रिकॉल करने की कोशिश करो क्या पढ़ा फाइन फिर आगे आपका नाइन्थ टेंथ इलेवेंथ ट्वेल्थ थर्टींथ फोर्टीन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये सिक्स डेज अब आप रिविजन करोगे ठीक जो आपने अभी तक पढ़ा फिर फिफ्टींथ सिक्सटींथ सेवनटीन तीन दिन आप एम प्रैक्टिस करोगे क्योंकि अब आपके पास टाइम कम है तो एम का आपको थोड़ा कम टाइम देखो अगर आपको ये जो एग्जाम है बिल्कुल दस दिन पहले पता चलता या पांच दिन पहले पता चलता पंद्रह दिन पहले तो मैं कहती थी अब आप सिर्फ एम ही करो और प्रे करो उन्हीं में से आ जाए फाइन लेकिन यू स्टिल हैव वन मंथ एंड इसमें भी मैं पॉजिटिव हूं कि इसमें भी आपका सिलेबस ओवर हो सकता है एमसीक्यूज तीन दिन आप सॉल्व करो मेरे एमसीक्यू सीरीज देखो एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ठीक है एंड एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी फर्स्ट ट्वेंटी सेकेंड इसमें क्या करो आप रिविजन फाइनल रिविजन आपका प्लस एमसीक्यू साथ साथ जो है वो मेरी वीडियो और जो एम पीडीएफ में देती हूँ टेलीग्राम ग्रुप पे वो साथ साथ प्रैक्टिस करो तो आपको ये फॉलो करना है इससे आपका स्पेशलाइजेशन कंप्लीट हो क्योंकि अभी आप सारा तो नहीं कर सकते ना अगर अभी तक आपने कुछ नहीं किया आप सारा नहीं कर सकते पर एटलीस्ट ये फॉलो करके आपका स्पेशलाइजेशन ओवर हो जाएगा एंड इसके साथ साथ आपको इंग्लिश चलाना है इंग्लिश ईजी है वो कंप्लीट कर लो कंप्यूटर के वीडियोज इस मंथ तक कंप्लीट हो जाएगा कंप्यूटर भी आपका हिस्ट्री भी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की डिफरेंट प्ले बनी हुई है मेरी चैनल पर वहां से देख के आप कॉन्स्टिट्यूशन भी कंप्लीट कर सकते हो ठीक है तो काफी हेल्पफुल रहेगा अगर आप ऐसे करके फॉलो करोगे अब देखो मुझे काफी क्वेरीज आते हैं कि ये पीडीएफ कब लाओगे वो पीडीएफ कब लाओगे एंड पीडीएफ कहाँ है तो मैं आपको हमेशा हर वीडियो में बताती हूँ कि मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ अपलोड कर दूंगी जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तो जब आप इतना टाइम लगाते हो टाइप करके मुझे पूछना कि कहाँ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है वीडियो के नीचे उसके नीचे लिंक लगी होती है मतलब आई एक्सपेक्ट बेटर फ्रॉम यू गाइज कि अगर आप एक एग्जाम दे रहे हैं और पीजी ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं आधे पी एच डी भी आई होप होंगे कि आपको डिस्क्रिप्शन पता होना चाहिए यूट्यूब का कहा होता है वहीं पे आपको लिंक मिलती है टेलीग्राम ग्रुप की और उसी में मैं पीडीएफ अपलोड करती हूँ कंफ्यूज नहीं होना मेरी यूपीएससी की जो टेलीग्राम ग्रुप है मेरा वो अलग है एंड जेके एस का टेलीग्राम ग्रुप अलग है जो लिंक आपके लिए है स्पेसिफिकली वो जेके एस की है ठीक है तो मुझे स्टूडेंट्स ने ये भी कहा कि मैं यूनिट फाइव पहले करवाऊं यूनिट थर्ड से फर्स्ट और सेकेंड हमारा हो गया है यूनिट फाइव ज्यादा डिफिकल्ट है तो उनको उसके रिवीजन में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो आई एम कंसिडरिंग दिस तो हो सकता है जो नेक्स्ट आपका जो मैराथन हो वो यूनिट फाइव का ही हो ठीक है तो ए, मैं भी कोशिश करूंगी कि जल्दी आपका रिविजन और आपका जो एमसीक्यू अगला रहता है वो लेके आने की एंड जब तक मैं वो नहीं लाती हूं आपके पास छह दिन है अभी यूनिट वन यूनिट टू मैंने आपको कहा तीन तीन दिन दे दो एंड वो रिवाइज करो ठीक है जो मेरा काम है वो मैं करूंगी जो मैंने अभी तक अपलोड नहीं किया है उसके पीछे मत जाओ क्योंकि मुझे पता है मैंने आपको जितना कंटेंट दिया है आप तब तक वो रिवाइज करो तो वो बहुत बड़ी बात है क्योंकि मेरा जो पीडीएफ है वो ऑलरेडी आई थिंक थाउजेंड पेजेस क्रॉस हो गया है कंपाइल्ड पीडीएफ तो आप पीडीएफ से भी अगर रिवाइज करो तब तक जब तक मैं वीडियो लेके आऊं वो बहुत बड़ी बात है एंड बहुत अच्छी बात भी क्योंकि वीडियो आपको समझने में आसानी हो जाएगी अगर आपने एक रिवीजन उसका खुद से कर लिया होगा तो मेरे काम की आप टेंशन नहीं लो मैं लेके आऊंगी आपका एमसीक्यू भी चलेगा वीडियो भी चलेगा एंड अभी कोई कॉमेंट आया था कि स्कीम्स के रिलेटेड समथिंग की स्कीम का भी शॉर्ट वीडियो लेके आऊं अब देखो मैं चाहूँ तो मैं दिन में आपको चार वीडियोस भी दे सकती थी अगर बात थोड़ा अगर एग्जाम आपका जान या फेव में होता पर अभी थोड़ा टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से थोड़ा इशू आता है कि मैं रेगुलरली आपको उतने वीडियोस नहीं दे पाती लेकिन जो मैंने अभी तक अपलोड नहीं किया है चाहे वो आपका एम हो या आपका मैराथन हो वो मैं कंप्लीट करूंगी दैट इज ऑन मी ठीक है उसकी आप टेंशन नहीं लो पर मेक श्योर जितना मैंने आपको दिया है उतना आप उसमें आप एफिशेंट हो जाओ उसमें एफिकेसी जो है वो अचीव करो आप ठीक तो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं हमारा वीडियो कोई भी अगर क्वेरीज होंगी तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लिखोगे एंड मैं वो एड्रेस करूंगी देखती हूँ और क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको स्पेसिफिक क्वेरीज ठीक है तो बाकी भी जो आपको रिविजन वगैरह का पीडीएफ भी मैंने अपलोड किया है देखो जो भी मैं व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाती हूँ ना उसका पी नहीं होता है जो मैं आपको रिटर्न नोट स्कैन करके पढ़ाती हूँ जैसे यूनिट टू का रिविजन करवाया था उसका पीडीएफ भी टेलीग्राम ग्रुप पे है जो व्हाइट बोर्ड है उसका पीडीएफ कहीं नहीं है मेरे पास तो प्लीज वो आप मुझसे ना मांगे ठीक है एंड अगेन आई वुड से जिसको मेरी स्पीड ज़्यादा लगती है वो यूट्यूब पे कम इस पर करके देखें अब मैं बात करने का अपना तरीका चेंज नहीं कर सकती पढ़ाने का तरीका चेंज नहीं कर सकती अगर सौ में से नाइनटी एट लोग खुश हैं दो को प्रॉब्लम आ रही है तो दो को एडजस्ट करना पड़ेगा फाइन तो आ, मिलते हैं जब तक मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी इस वीक में आई एम होपिंग मैं आपका हिस्ट्री भी कंप्लीट करवा दूँ एंड आपका मैराथन और एम सी क्यू भी आ, आपके एक दो यूनिट्स आई होप मैं कंप्लीट करवा दूँ ये मेरा प्रोजेक्शन है कि इस वीक में मुझे क्या करना है इन फिफ्टीन डेज में तो अब आप सोचो इन फिफ्टीन डेज में आपको क्या करना है फाइन एंड डोंट पैनिक एक मंथ बहुत होता है एक मंथ में दुनिया बदल जाती है आपका क्या एस का सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा ठीक है तो आप आराम से पढ़े एंड जस्ट डोंट गो आफ्टर एमसीक्यूज मतलब माइंडलेसली सिर्फ एम सॉल्व नहीं करो पहले रिवाइज करो आपके इट एस इजी सांस लो लंबी टाइम है आपके पास पहले रिवीजन को टाइम दो फिर एमसीक्यूज पे आ जाओ और वो कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया टाइम टेबल अच्छे से बनाओ दीवार पे चिपकाओ एंड उसी को ही फॉलो करो अगर एग्जाम सीरियसली क्वालिफाई करना चाहते हो सो ऑल द बेस्ट गाइड्स टिलस्ट टेक केयर हैवे ग्रेट डेन